काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेली प्राइम के इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे तलपट यानी ट्रायल बैलेंस क्या है और लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था लेजर क्या है और जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है। इस वीडियो में आप पहले ये समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ट्रायल बैलेंस लेजर के सभी अकाउंट से ज्ञात किए गए डेबिट तथा क्रेडिट पक्षों के योग के पश्चात निकाले गए अंतर की एक सूची है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस हमारे द्वारा बनाए गए सभी अकाउंट को समराइज करता है। यदि हमसे पोस्टिंग में कोई गलतियां हो गई हों, तो उन्हें भी हम ट्रायल बैलेंस के द्वारा पकड़ सकते हैं। ट्रायल बैलेंस की आवश्यकता मुख्यतया दो कारणों से होती है। पहला कारण, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने व्यवसाय का अध्ययन करने के लिए सभी खातों की स्थिति एक साथ देखना चाहते हैं, यानी हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं उनका जो भी डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है वो हम एक साथ एक स्थान पर देखना चाहते हैं। दूसरा कारण है, जैसा कि हम जानते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक ट्रांजैक्शन की दो जगह एंट्री की जाती है, एक डेबिट पक्ष में, दूसरी क्रेडिट पक्ष में। दोनों पक्षों में लिखी जाने वाली रकम एक ही होती है। अब यदि हम ये जानना चाहते हैं कि हमने डबल एंट्री सिस्टम की सहायता से जो जर्नल तैयार किया है उसमें या लेजर में जो पोस्टिंग की है उसमें कोई गलती तो नहीं हुई है, तो इसके लिए किसी एक स्थान पर सभी खातों के जो भी बैलेंस हैं, जैसे यदि खाते का डेबिट बैलेंस है तो उसे डेबिट साइड में और यदि खाते का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। लिखने के बाद डेबिट और क्रेडिट साइड के दोनों पक्षों का जोड़ लगाने पर वो बराबर होना चाहिए। अगर दोनों पक्षों का जोड़ नहीं मिलता है तो दो बातें हो सकती हैं। पहली, या तो हमने जर्नल में दोनों पक्ष में एक समान अमाउंट नहीं डाले हैं, या जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते वक्त कहीं गलती हो गई है जिसे हम ढूंढकर यानी रीचेक करके दूर कर सकते हैं। आइए, हमने जो लेजर तैयार किया है उनमें खातों में जो भी शेष है उसके आधार पर ट्रायल बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमारे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस 1,00,000 रुपए है, तो इसे हम ट्रायल बैलेंस शीट में क्रेडिट में लिख लेते हैं। अब अमाउंट लिखने के बाद लेजर से जिस अमाउंट को हमने बैलेंस के रूप में लिया है उसे पीला कर देते हैं। इससे यह पहचानने में आसानी होगी कि हमने इस खाते का बैलेंस ट्रायल बैलेंस शीट में लिख लिया है। इसी तरह कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस 86,900 रुपए है, तो इसे हम ट्रायल बैलेंस शीट में डेबिट में लिख देंगे और इसी तरह हम सभी खातों के बैलेंस ट्रायल बैलेंस शीट में लिख देंगे। चलिए लेजर्स में चलकर देख लेते हैं कि कोई बैलेंस छूटा तो नहीं है। देखिए, सभी बैलेंस पीले दिखाई दे रहे हैं, मतलब हमने सभी लेजर्स के बैलेंस को ट्रायल बैलेंस शीट में लिख लिया है। अब हम ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड की जोड़ लगाकर देख लेते हैं। ये देखिए, हमारे दोनों पक्षों की जोड़ बराबर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, हमने जर्नल में जो एंट्रीज की हैं उनमें या जर्नल से लेजर में जो पोस्टिंग की है उसमें कोई गलती नहीं हुई है। ये काम भी हमें टैली में अब नहीं करना पड़ता है, ये अपने आप हो जाता है। अब आप ट्रायल बैलेंस शीट में जो अलग अलग खाते देख रहे हैं ये अलग अलग प्रकृति के हैं। इनकी प्रकृति समझने के लिए पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा। हमारे जितने भी खाते होते हैं उन्हें हम चार श्रेणियों में बांट सकते हैं, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस। वैसे तो हम इन चारों की परिभाषा आपको पहले बता चुके हैं, पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए फिर से देख लेते हैं। संपत्ति यानी असेट्स,
व्यापार या व्यवसाय की ऐसी समस्त वस्तुएं जो व्यापार या व्यवसाय के संचालन में सहायक होती हैं और जिन पर व्यवसायी का स्वामित्व होता है, संपत्ति कहलाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, स्थायी संपत्तियां और चालू संपत्तियां। स्थायी संपत्ति यानी फिक्स्ड असेट से आशय उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में दीर्घ काल तक रखी जाने वाली होती हैं, यानी जिनका लाभ व्यापार में कई वर्षों तक मिलता रहता है और जो पुनः विक्रय के लिए नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए जमीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, वाहन, मशीन आदि। और चालू संपत्ति से आशय उन संपत्तियों से है जो आम तौर पर एक वर्ष से कम समय में उपयोग की जाती हैं, यानी जो लंबे समय तक व्यापार में नहीं रहती हैं, जैसे नकदी या जिन्हें आसानी से नकदी में बदला जा सके, जैसे देनदार, बैंक बैलेंस, स्टॉक इत्यादि। अब हम बात करते हैं दायित्व यानी लायबिलिटीज की। वे सभी ऋण या लोन जो व्यापार को अन्य व्यक्तियों अथवा अपने स्वामी या स्वामियों को चुकाने होते हैं, दायित्व यानी लायबिलिटीज कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्थायी दायित्व यानी फिक्स्ड लायबिलिटीज और चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटीज। स्थायी दायित्व से आशय ऐसी देनदारियों से है जिनका भुगतान दीर्घकाल के पश्चात या व्यापार की समाप्ति पर करना होता है, जैसे दीर्घकालीन ऋण लॉन्ग टर्म लोन, पूंजी, बिल्डिंग या लैंड को गिरवी रखकर बैंक से लिया हुआ लॉन्ग टर्म लोन इत्यादि। चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटीज से आशय ऐसी देनदारियों से है जिनका भुगतान निकट भविष्य में करना हो, प्रायः ये एक साल से कम समय में चुकाना होती हैं, यानी ये अस्थायी होती हैं और व्यापार संचालन में घटती बढ़ती रहती हैं, जैसे अल्पकालीन ऋण यानी शॉर्ट टर्म लोन, लेनदार, बैंक लोन, सीसी लिमिट यानी कैश क्रेडिट लिमिट आदि। आय यानी इनकम। एक व्यक्ति या संगठन की आय यानी इनकम वो धन है जो वो कमाते हैं या प्राप्त करते हैं। वैसे आय एक व्यापक शब्द है, इसमें लाभ भी शामिल रहता है। आय दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष आय यानी डायरेक्ट इनकम। इसके अंतर्गत ऐसी सभी प्राप्तियां आती हैं जो हमारे मुख्य कार्य से प्राप्त होती हैं। जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप कुछ बेच रहे हैं तो उसका जो भी मूल्य प्राप्त हो रहा है वो डायरेक्ट इनकम में आएगा। मान लीजिए आपका मुख्य व्यापार कपड़े का है तो कपड़े की सेल्स से होने वाली प्राप्ति आपकी डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। दूसरी तरह की आय होती है अप्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट इनकम। मुख्य व्यवसाय के अलावा जो भी इनकम होती है वो अप्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। उदाहरण के तौर पर यदि आपका कपड़े का व्यापार है तो उससे प्राप्त होने वाले आय के अतिरिक्त जो भी आय होती है, जैसे आपने कुछ गोदाम किराए पर दिए हुए हैं तो उनका किराया, या फिर आपने कुछ रुपया बाजार में उधार दिया हुआ है तो उससे प्राप्त होने वाला ब्याज आपकी इनडायरेक्ट इनकम कहलाएंगे। अगली टर्म जो हम आपको समझाने जा रहे हैं वो है व्यय यानी एक्सपेंसेस। एक व्यक्ति या संगठन का व्यय यानी एक्सपेंसेस वो धन है जो हम अपने काम के दौरान कुछ करते हुए खर्च करते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, पहला है प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अंतर्गत हमारे मुख्य कार्य से संबंधित जो भी सीधे खर्च होते हैं वे आते हैं। जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप बेचने के लिए कुछ खरीदते हैं या खरीदे हुए माल पर सीधे कोई खर्च करते हैं तो उस पर जो भी धन खर्च होता है वो प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। उदाहरण के लिए आपका मुख्य व्यापार कपड़े का है तो आप जो कपड़ा खरीदते हैं उसका मूल्य, उसे अपने गोडाउन या फैक्ट्री तक लाने के लिए जो गाड़ी भाड़ा देते हैं, यदि कपड़े पर कोई एम्ब्रॉयडरी करते हैं उसका खर्चा, यानी कपड़े को बेचने योग्य बनाने के लिए जो भी खर्चा करते हैं, ये सब खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाएंगे। दूसरी तरह का व्यय है अप्रत्यक्ष व्यय यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
इनका संबंध वस्तु के क्रय या उसके निर्माण से ना होकर वस्तु की बिक्री या कार्यालय व्यय से संबंधित होता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं, मुख्य व्यवसाय से संबंधित जो भी सीधे खर्च होते हैं उनको छोड़कर शेष सभी खर्च इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे व्यवसाय या व्यापार को चलाने में सहयोग करने के लिए जो भी खर्च होते हैं, जैसे ऑफिस से संबंधित कर्मचारियों की तनख्वाह, ऑफिस का बिजली बिल, स्टेशनरी खर्च, डेप्रिसिएशन इत्यादि। अभी हमने अकाउंट्स की चारों कैटेगरीज और उनकी सब कैटेगरीज के बारे में समझा। अब हम अपने ट्रायल बैलेंस को उन कैटेगरीज और सब कैटेगरीज के आधार पर बांट देते हैं। देखिए, यहाँ पर खातों की प्रकृति के आधार पर हमने अपनी ट्रायल बैलेंस शीट तैयार कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है और इस कारण से हमने कुछ नए खाते और बना लिए हैं। देखिए, करंट एसेट्स में अभी तो ये 8 ही हैं, पर अगर ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जैसे 80 या उससे अधिक हो जाएंगे, तो कैश और बैंक के खाते तो नाम से ही पहचान में आ जाएंगे, पर शेष खातों के बारे में हमें ये समझने में दिक्कत होगी कि इनमें से कौन से खाते ऐसे हैं जिन्हें हमने रुपया उधार दिया है और कौन से ऐसे हैं जिन्हें हमने उधार माल बेचा है। भविष्य में आने वाली इस समस्या का समाधान ये है कि हम इन खातों को छांट कर एक जैसे खातों को एक स्थान पर रख दें और उनको कुछ नाम दे दें। ऐसा करने से हमें खाते किस तरह के हैं ये पहचानने में आसानी हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अभी हमारे पास करंट एसेट्स में जो 8 खाते हैं, उनमें से एक खाता कैश का है, 2 बैंक के हैं, एक खाता ऐसा है जिसे हमने रुपया उधार दिया और 4 खाते ऐसे हैं जिन्हें हमने उधार माल बेचा है। हम इन सभी खातों को हेडिंग दे देते हैं। इन हेडिंग्स को हम ग्रुप भी कह सकते हैं। ग्रुप से तात्पर्य है एक जैसी वस्तुओं या खातों का एक स्थान पर रखा होना। ये देखिए, अब हमारी बहुत ही सुंदर और समझने में सरल ट्रायल बैलेंस शीट बन गई है। इसमें अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं और उनके अंतर्गत हमारे खाते दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने के लिए ये है कि हमने पहले खाते बनाए, फिर उन्हें ग्रुप के अंदर रख दिया, पर टैली में इस तरह से नहीं करना होता है। टैली में ग्रुप पहले से बने हुए होते हैं, हमें सिर्फ उन ग्रुप्स के अंदर खाते खोलना होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में अकाउंट्स वाली वीडियो में बताएंगे। टैली में हमें ट्रायल बैलेंस शीट नहीं बनाना होती। हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसी के आधार पर टैली हमें ट्रायल बैलेंस शीट बनाकर दे देता है। इसके बाद वाली वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और ट्रायल बैलेंस शीट के आधार पर उसे कैसे बनाया जाता है।